हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरिशंकर सोनी विद डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी इजी डेंटिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है के फाइल, एच फाइल एंड कलर कोडिंग। एक व्यूअर है हमारे अनुषा साहू, उन्होंने हमको कमेंट करके रिक्वेस्ट किया था कि एक वीडियो हम RCT फॉर बिगिनर्स पर बनाएं। उन्होंने लिखा था कि कलर कोडिंग पर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, कौन सा फाइल कब यूज़ करना है इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि RCT के ऊपर हम दो वीडियोस पब्लिश करेंगे, जिसमें कि हम पहले वीडियो में ले रहे हैं RCT में जो यूज़ होती हैं फाइल्स, उनकी हम कलर कोडिंग बताएंगे, उनका आइडेंटिफिकेशन बताएंगे कि ये कैसे दिखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो को हम RCT फॉर बिगिनर्स के हेडलाइन से पब्लिश करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे आपको RCT करनी है। तो RCT जो है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है, बेसिकली हम दो मेथड से करते हैं। एक हम मैनुअली करते हैं और दूसरा होता है जो हम रोटरी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, जिसमें हम एंडोमोटर का यूज़ करते हैं। पर कॉलेजेस में और प्राइवेट क्लिनिक्स में ज़्यादातर मैनुअली यूज़ करते हैं, और वाइवा में भी मैनुअल RCT के बारे में ही पूछा जाता है, फाइल्स के बारे में पूछा जाता है। तो जो मैनुअल RCT करते हैं उसमें हम डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जिसमें कि फाइल्स, रीमर्स, प्रोटेपर्स, प्लगर्स, स्प्रेडर्स, ये ब्रोचेस वगैरह, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो जो आज हम बात करेंगे वो के फाइल्स और एच फाइल्स के बारे में बात करेंगे। कन्फ्यूज़न बेसिकली होता है इनकी कलर कोडिंग को लेकर, इनकी नंबरिंग को लेकर। तो ये वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड तक जाते जाते आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का टॉपिक, के फाइल्स एंड एच फाइल्स। तो यहाँ पर मैंने इंस्ट्रूमेंट्स को अरेंज कर लिया है, अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये हमारी के और एच फाइल्स हैं, आप एक सीक्वेंस में देख रहे होंगे, कलर कोडिंग से ही आते हैं। मैं आपको पहले कलर कोडिंग बता दूंगा, उसके बाद इनकी नंबरिंग एक बार बता दूंगा। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं यहाँ पर पिंक, ग्रे और पर्पल कलर की फ़ाइल, ये तीन फाइल्स रखी हुई हैं। तो ये जो पिंक कलर की फ़ाइल है ये 6 नंबर की होती है, ये ग्रे कलर की फ़ाइल जो है 8 नंबर की, और इसके बाद जो पर्पल देख रहे हैं आप ये वाली, ये 10 नंबर की होती है। सभी फाइल के पीछे नंबर्स लिखे होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 6 नंबर की फ़ाइल है, 06 इसमें लिखा हुआ है, सबसे छोटी फाइल होती है ये। ऐसे ही जितनी भी फाइल्स आप रखे देख रहे हैं, इनके सभी के पीछे नंबर लिखे होते हैं। एक बार मैं पहले आपको सभी के नंबर्स दिखा देता हूँ। जितनी भी फाइल्स आप देख रहे हैं कलर से रखे हुए, इनके सभी के पीछे इनके नंबर्स लिखे होते हैं। अब हम इनके नंबर्स को, इनके कलर्स को पहले समझ लेते हैं। तो ये जो फाइल मैंने आपको बताई, 6 नंबर, इसके बाद 8 नंबर और ये 10 नंबर, ये छोटी फाइल्स होती हैं, काफ़ी फाइन होती हैं। तो ये बच्चों में यूज़ होती हैं और बड़ों में कैनाल सर्च करने के लिए इन फाइल्स को हम यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं आ जाता हूँ इन फाइल्स में। तो यहाँ से ये फर्स्ट रो में आप देख रहे होंगे मैंने अरेंज किया हुआ है, ये जितनी भी फाइल्स हैं के फाइल्स हैं, एक कलर कोडिंग से अरेंज है। पहले मैं आपको कलर बता देता हूँ, ये देखिए वाइट, फिर येलो, रेड, इसके बाद ब्लू, फिर ग्रीन, ब्लैक, यही कलर सीक्वेंस फिर रिपीट होते जाता है। यहाँ से आप देखेंगे तो फिर से यही कलर रिपीट होता है, वाइट, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। तो ये जो पहली रो में फाइल्स जमी हुई हैं के फाइल्स हैं, और दूसरी रो में ये जो मैंने अरेंज की हुई है ये एच फाइल्स है। के फाइल्स और एच फाइल को आइडेंटिफाई कैसे करना है अभी हम समझेंगे, पहले मैं इनके नंबर्स आपको बता देता हूँ। तो पहले ये समझ लेते हैं। तो ये जो यहाँ से मैं नंबर आपको बता देता हूँ, कलर मैंने आपको बता दिए हैं, अब यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। ये फर्स्ट आप देख रहे हैं ये 15 नंबर है, इसके बाद 20, 25, 30, 35 एंड 40। ऐसे ही फिर वाइट कलर स्टार्ट हो जाएगा, जो 15 से स्टार्ट हुआ था फिर से वाइट स्टार्ट हो जाएगा 40 के बाद, ये 45, 50, 55 और 60, ये ब्लू कलर तक, 60 तक, ये 55 के सीक्वेंस से बढ़ रहा था, आपने देखा यहाँ से लेकर 60 तक 55 के सीक्वेंस से बढ़ रहा था,
60 के बाद ये 10-10 के सीक्वेंस से बढ़ता है 70, 80, ऐसे ही और भी फाइल्स आती हैं 90, 100, लेकिन हमने ये 80 तक रखा है जो कि जनरली यूज़ होती है। अब नीचे आप देखेंगे कि ये H फाइल्स रखी हुई हैं, इनमें भी सेव कलर कोडिंग होगी, जैसे ऊपर अभी हमने समझा वाइट, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, फिर से यही सीक्वेंस रिपीट हो जाएगा, वाइट, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। नंबरिंग भी इनकी बिल्कुल सेम होगी, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, यहाँ 60 तक होगा, फिर 60 के बाद 70, 80, ऐसे ही सेम होगा इनमें। और जो नंबर हम बता रहे हैं इनका क्या फ़र्क होता है कि 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, जैसे जैसे इनका नंबर्स बढ़ते जाएगा इनका डायमीटर बढ़ता जाता है, ऐसे नंबर के साथ इनकी विड्थ बढ़ते जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम RCT के बारे में समझेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। अभी हम इनका आइडेंटिफिकेशन समझ लेते हैं और फिर कलर कोडिंग को कैसे याद करना है आपको इसके बारे में हम समझेंगे। तो मैं एक ये बड़ी फाइल ले लेता हूँ क्योंकि इनकी विड्थ ज़्यादा होती है, एक ये 80 नंबर की फ़ाइल मैंने K फाइल और H फाइल में ले रहा हूँ। अब मैं डायग्राम से इसको समझा देता हूँ आपको। तो ये K फाइल और H फाइल को मैंने डायग्राम के साथ यहाँ पे अरेंज कर ली है, अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले आप डायग्राम देख लीजिए, ये K फाइल है और ये जो है H फाइल है, आप इसे देख रहे हैं, स्पाइरल पैटर्न इसमें होता है। पास कर, तो आप देखिए इस फाइल को, एक स्पाइरल पैटर्न आपको दिख रहा होगा फाइल में। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने एक ये स्क्रू यहाँ पर रखा हुआ है, लगभग ये जैसा स्क्रू आपको दिख रहा है इसमें जो पैटर्न होता है स्क्रू में, वैसा ही पैटर्न के फाइल में भी होता है। और जो स्पाइरल डिज़ाइन आप देख रहे हैं इनको फ्लूट्स बोलते हैं। तो ये जो फ्लूट्स हैं इसके काफ़ी पास पास होते हैं। रीमर और के फाइल में यही डिफरेंस होता है कि जो के फाइल्स है उसमें नंबर ऑफ़ फ्लूट्स ज़्यादा होते हैं और रीमर में नंबर ऑफ़ फ्लूट्स कम होते हैं। ये दोनों ही फाइल का, के फाइल और एच फाइल का यूज़ हम क्लीनिंग एंड शेपिंग में करते हैं रूट कैनाल की। और जब हम RCT में फाइलिंग करते हैं तो कैनाल्स में जब हम डीप अंदर की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तब ये कट करती है इस तरीके से। ऐसा हम मोशन करते हैं, जब अंदर जाते हैं तब ये कट करती है। अब एच फाइल को समझ लेते हैं, जूम करो, ये आप देख रहे हैं, इसको ध्यान से आप देखेंगे तो ये क्रिसमस ट्री की तरह दिखती है। डायग्राम में देखिए, ये देख रहे हैं आप डायग्राम, ऐसा ये होता है। और इसका जो कटिंग एज होता है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ होता है, जूम करके दिखाओ, इसका जो कटिंग एज होता है यहाँ ऊपर की तरफ होता है। तो जब हम क्लीनिंग एंड शेपिंग में इसका यूज़ करते हैं, जब फाइलिंग हम करते हैं, तो अंदर की तरफ जब हम कैनाल में जाते हैं इसको एंटर करते हैं तो ये कट नहीं करता है, जब हम इसको ऊपर पुल करते हैं तब ये कैनाल को कट करता है, जो डेब्रिस है उसको निकालता है। मतलब कि इसका जो कटिंग है वो पुल मोशन में होता है, जब हम इसको एंटर करते हैं और ऊपर पुल करते हैं तब ये कट करता है। तो दोनों फाइल्स को आप देख लीजिए, ये वाली जो फाइल है ये के फाइल है और ये जो फाइल है वो एच फाइल है। तो ये दोनों फाइल का आइडेंटिफिकेशन हमने समझ लिया, एच फाइल और के फाइल कैसी होती है ये आपको मैंने बता दिया। जितनी फाइल्स आप देख रहे हैं ये नॉर्मल फाइल्स हैं, और एक नाइट आई फाइल आती है, निकल टाइटेनियम मटेरियल की बनी होती है। दोनों में फ़र्क क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा पास करो। ये जो एक नॉर्मल फाइल आती है इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, आप ये देख रहे हैं, इससे ज़्यादा इसको फोल्ड करेंगे तो ये यहीं पर मुड़ जाएगी, जहाँ से हम फोल्ड करेंगे वहाँ से फोल्ड हो जाएगी। और ये जो दूसरी फाइल मैंने ली है एक दिखाने के लिए, ये निकल टाइटेनियम फाइल है ये दूसरी वाली, दोनों 15 नंबर फाइल है लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए, ये फोल्ड हो गई, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ये जो नाइट आई फाइल आती है ये थिक हब के साथ आती है, ग्रिपिंग के साथ आती है। और ये जो दूसरी फाइल होती है
सभी फाइल में आप एक होल देख रहे होंगे। ज़्यादातर हमको पता नहीं होता है कि ये सभी फाइल में होल दिया क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो होल होता है इसमें हम थ्रेड को या फिर जो हमारा डेंटल फ्लोस होता है उसको फंसाकर यहाँ पर एक लूप बनाकर उसको इस तरीके से उंगली पर यहाँ पर फंसाकर फिर हम फाइलिंग करते हैं, तो उससे स्लिप होने का डर कम हो जाता है, क्योंकि हम पीछे वाले टूथ में जब वर्क करते हैं तो चांसेस होते हैं कई बार स्लिप हो जाती है फाइल और थ्रोट में जाने के पेशेंट का डर होता है, तो इसीलिए ये होल दिया होता है। तो ये सारी फाइल्स मैंने आपको बता दी, इनके कलर कोडिंग बता दी, अभी मैं आपको थोड़ा सा इनके कलर कोडिंग को कैसे याद करना है वो बता देता हूँ, तो थोड़ा आपके लिए ईजी होगा। तो यहाँ पर लिख कर मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे आपको मैंने सिक्वेंस बता दिया, सबसे पहले तो ये आपका पिंक, ग्रे और पर्पल, तीन फाइल्स आती हैं, पिंक, ग्रे, पर्पल। पिंक जो है 6 नंबर, ये 8 और ये 10 नंबर की, इसको आपको याद करना है। आप ऐसे पिंक, ग्रे, पर्पल करके याद कर सकते हैं या PGP याद रख लीजिए तो आपको याद रहेगा। इसके बाद मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि वाइट, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, यही सीक्वेंस में चलता है। तो सबसे पहले आता है वाइट, फिर येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक। तो ये जो फाइल है यही सीक्वेंस चलता है। ये देखिए, ये 15 नंबर वाइट, इसके बाद येलो जो होता है 20, फिर रेड 25, फिर ब्लू 30, फिर ग्रीन जो है 35 और ब्लैक जो है 40। अब इसके बाद फिर से यही सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा, वाइट, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ये आगे बढ़ते जाएगा 45, 50, 55, 60, ये आपको मैंने पहले बता दिया। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं RCT करना, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में हम होते हैं, तो हमको याद करना पड़ता है, क्योंकि इतनी जल्दी हम यूज्ड टू इसके नहीं होते। तो एक छोटा सा मैं तरीका बता देता हूँ, जैसा कि हम रेनबो के कलर को याद करने के लिए विबग्योर याद करते थे, जिससे कि हमको उसके सातों रंग याद हो जाते थे, आज तक सभी को याद होंगे, वैसे ही इनका हम स्टार्टिंग का एक एक लेटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ कि W Y R B G, और ये बी एक लास्ट में लिख लेता हूँ। तो ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा और एक बी लास्ट में लिख लिया। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, W Y R को मैंने अलग डिफ्रेंशिएट किया और इसको। तो अब याद करने के लिए आप कुछ भी अपनी ट्रिक बना सकते हैं, या फिर जैसा कि हमने बनाया था कि YRBG ब्रो, पूरा का पूरा आप इसको ऐसा ही रखें और लास्ट में बस इसको ब्रो कर दे, ताकि याद रहे। इसको बार बार आप बोलेंगे तो स्टार्टिंग में आपको याद करने के लिए ये ईजी होगा, बाद में फिर आप इसके यूज्ड हो जाएंगे। तो YRBG ब्रो, तो इसको बार बार बोलें, याद करें, तो ज़्यादा हमने इसको टफ नहीं बनाया है, तो डायरेक्ट याद हो जाएगा कि वाइट, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, और ये इसका बी ले लें तो ये हो जाएगा ब्लैक। तो ये थोड़ा सा याद करने के लिए आपको हमने समझाया, तो ऐसे ही आप इनकी कलर कोडिंग को याद कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कलर कोडिंग आपको स्टार्टिंग में याद नहीं होती, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी फाइल्स के पीछे नंबर्स लिखे हुए हैं, इनके नंबर्स आप देखें और इनको यूज़ करें। ये कलर कोडिंग याद होने से थोड़ा सा ये फ़ायदा हो जाता है कि हमको बार बार इसके पीछे देखना नहीं पड़ता कि कौन से नंबर की फ़ाइल हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कलर कोडिंग होती है इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स, आज हमने के फाइल्स और एच फाइल्स के बारे में जाना, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। नेक्स्ट वीडियो हम RCT फॉर बिगिनर्स हेडलाइन से लेकर आएंगे, उसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे आपको RCT करनी है, सरल तरीके से बेसिक्स उसके आपको बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और डेंटिस्ट्री से रिलेटेड किन टॉपिक्स पर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।